ठीक है, चूड़ी पहन लेगा तो माफ कर दूंगा, ग्लव्स पहन लिया तो भाई घने मुक्के मार दूंगा मुंह पत्र। जो इसके चूजे हैं ना, जैसे ये चूजा है, इसके भी दो चार चूजे हैं, वो कह रहे थे भाई चुप करवा दिया हमने, पता भी नहीं लगने दिया। तो बेटा एक काम करियो के देख, तेरी बेइज्जती भी नहीं होगी, तेरी नाक भी बची रहेगी, दुबई ना पिटते हुए कोई नहीं। तो गाइस अरमान मलिक ने फिर से रिप्लाई दे दिया UK07 राइडर को बॉक्सिंग फाइट को लेकर। बेसिकली UK07 राइडर का कुछ आदमी अरमान मलिक को पोक कर रहे थे कि शांत हो गया, शांत करवा दिया, तो इसी बात को लेकर अरमान मलिक काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और अरमान मलिक ने फिर से UK07 राइडर को रिप्लाई दिया और साथ ही में UK07 राइडर के ऊपर वोट भी चलवाया है कि इसके साथ फाइट किया जाए या फिर माफ कर दिया जाए। तो ज्यादातर वोट आ रहा है कि माफ कर दिया जाए। बाकी क्या बोला अरमान मलिक ने आप इस क्लिप में देखिए। सोशल मीडिया का कीड़ा है बॉक्सर, उसको बोलो, उसने चैलेंज दिया था, पापा इतने दिन से वेट कर रहे हैं, कहीं तो बुलाओ। क्या हुआ, सो गया क्या? लोकेश भाई क्या बोलो? अरे सो गया क्या, उठ जा भाई, उठ जा, कर ले एक्सेप्ट भाई के पापा जी वेट कर रहे हैं। एक्सेप्ट तो मैंने कर रखा है, उसको तो आना है। रिप्लाई करना, रिप्लाई कर भाई, क्यों नहीं कर रहा, कहाँ भाग गया? ऐसे उछल उछल के 1v1 करेंगे, 1v1 1v1। कुछ कुत्ते ना सिर्फ भौंकने के लिए होते हैं, काटने के लिए नहीं होते। अरे क्या यार, गंदी नाली, कीड़े हैं लोग यार, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है। कर ले भाई, कर ले, नींद आ रही भाई, प्लीज कर ले यार, कर ले भाई। तो भाई थोड़ा बहुत भी इंसानों वाला कीड़ा होता ना तेरे अंदर, या खून होता थोड़ा बहुत तो खोलता। साला कौन सा पानी भरा खून की जगह, ठंडा हो गया, बता जीवन में क्या करेगा? किराए की गाड़ियाँ ला ला के कब तक दिखाएगा? लोगों को पता लग गया फेक आदमी है तो झूठा आदमी है। एक काम करियो के देख, तेरी बेइज्जती भी नहीं होगी, तेरी नाक भी बची रहेगी, दुबई ना पिटते हुए कोई नहीं देखेगा तुझे। मैं जा रहा हूँ दुबई 10 दिन के लिए, ठीक है? तो बीच में टाइम निकाल के वहाँ आ जा, ना कोई तेरा ब्लॉग बनाएगा, ना कोई तेरी रील बनाएगा। बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े होंगे, 1v1 फाइट करेंगे। अगर वहाँ की पुलिस आ गई तो कह देंगे प्रैंक कर रहे हैं, नहीं तो इंडिया वालों को देखने देंगे यूट्यूब पे। वहाँ जा तो ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे ना तो भीड़ है, ना आचार संहिता, कुछ भी नहीं है। वहाँ जा, वहाँ आके अपना ग्लव्स ग्लूब्स चूड़ी चाड़ी जो तेरे को साथ लेके आने है वो सब ले आइए, ठीक है? अगर तेरा दिल करे तो चूड़ी पहन लियो, तेरा दिल करे तो ग्लव्स पहन लियो, ठीक है? चूड़ी पहन लेगा तो माफ़ कर दूंगा, ग्लव्स पहन लिया तो भाई घने मुक्के मार दूंगा मुँह पत्र घने। तो भाई जो इसके चूजे हैं ना, जैसे ये चूजा है, इसके भी दो चार चूजे हैं, वो कह रहे थे भाई चुप करवा दिया हमने, पता भी नहीं लगने दिया। तो बेटा मेरे बच्चों का बर्थडे था, थोड़ा सा बिजी था मैं माहौल में, टाइम नहीं निकला मुझे, अब मैं फ्री हूँ। अब मैं या तो तू मुझे देगा या मैं ले लूँगा, समझ रहा है? क्या ले लूँगा? जो तू कह रहा था, जिसकी जी में दम हो, जिसकी जी में दम हो, तो दम तो तेरी में है भाई, हमारे तो फिर पता नहीं तुझे किस में दम है। तो भाई जो भी इस हलवे की मैनेजमेंट है उसको बोलो वो वीडियो डिलीट करे, सोशल मीडिया पे आके माफ़ी मांगे। जो सारे इन्फ्लुएंसर को बोल रहा था कोई भी आके लड़ लो, कोई भी आके लड़ लो, एक चाचू तो संभाला नहीं जा रहा तेरे से, तो लोगों से क्या लड़ेगा है? या तो तूने इंश्योरेंस करवा रखा तगड़ा सा कि भाई कोई मुझे मारे और मैं मरूँ और बहुत सारा धन जो मैं ब्लॉगिंग से कमाना चाहता हूँ वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे दे दे, हैं? वाह यार, इतना जलील आदमी तो कोई नहीं होता, इतना सुन के तो जिसके कान भी नहीं होते ना वो भी आ जाता लड़ने, हैं? उत्तराखंड का नाक कटवा रखा। तो भाई जितने लोग ये स्टोरी देख रहे हैं और या तो स्टोरी लगाना है कमेंट में बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ। एक मच्छर हवा में उड़ रहा है कि मुझे मारो मुझे मारो, मेरा टाइम आ गया। मैं भलाई तो कर रहा हूँ, मैं बुरा क्या कर रहा हूँ? एक बात, आवाज़ ना कानों में गूंज रही है बार बार, आ जाओ जिसमें दम है, आ जाओ जिसमें दम है। और कम से कम हज़ारों स्टोरियाँ लगाई थी लोगों ने, जो लोग थे मुझे टैग कर करके कर करके कर करके, बताना कहाँ गलत। तो भाई हमारे बड़े भाई दो लाइने बोलेंगे, भाई देख इस भाई जी साहब दिया हुआ ना, इतना कितना नहीं मिल रहा है, जो भाई तेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा, इज्जत रख ले बड़े भाई की, ठीक है? बहुत इज्जत दे रहा तेरे था भाई, शर्म कर ले। किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं किया ना, उनको पता था तू मर जाएगा एक घुसे में। चल एक काम करते, सुनो भाई, देखो भाई सारे सुन लो, एक हाथ बांध के करूँगी, ठीक है भाई? ठीक है, डन।
मैं अपने बाप की औलाद हूँ, ये जुबान देता हूँ, एक हाथ लेफ्ट वाला हाथ बांध के तेरे दोनों हाथ, ठीक है भाई, चाहे तू कितने मार लियो मेरे, एक हाथ बांध के करेंगे, ठीक है भाई, जो जुबान का नहीं वो बाप का नहीं। हाँ, ये जुबान करता है अरमान मलिक जा, और कल की कल चैलेंज एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, और सोशल मीडिया पे डेट और टाइम बताएगा तू, एक हाथ बांध के, ठीक है भाई, डन भाई डन, मजा आ जाएगा, चाहे तू 50 मुक्के मार लियो मेरे, मेरा एक हाथ बंद गया होगा और सिंगल हाथ से करूँगा, ये जुबान देता है अरमान मलिक सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग। तो बाकी गाइस यहाँ तक आ गए हो तो आपसे भी कोई इस मैटर पर क्या लग रहा है, UK07 राइडर और अरमान मलिक के इस मैटर पर आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दो। ऐसे अपडेट्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।